एयरपोर्ट प्रो पेयरिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। जी दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके से एयरपोर्ट प्रो है और इसको आप जो है कनेक्शन करना चाहते हो और प्रॉब्लम आ रहा है पेयरिंग करने में, ठीक है, किसी भी डिवाइस से आप इसको जोड़ के पेयरिंग करते हो तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको ठीक करते हैं, वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आपका ये एयरपोर्ट प्रो है, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है जोड़ने में, कनेक्शन करने में, पेयरिंग करने में, तो आपको करना क्या है बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एयरपोर्ट को रीसेट करना है। जब दोस्तों एयरपोर्ट प्रो को अगर आप रीसेट करोगे तो एयरपोर्ट का जितना भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि 99% जो भी प्रॉब्लम रहता है, सब का सब वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो रीसेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चार्जिंग केस का जो ढक्कन है उसको खोल लेना है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक। ये देखिए इस तरीके से एयरपोर्ट का जो ये केस है उसको हमने ओपन कर दिया है, ये बंद था, इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब उसके बाद जो दोस्तों पीछे साइड आपको देखिए एक छोटा सा गोला बटन दिया रहता है, ये वाला, ठीक है, तो ये दिया रहता है, तो इस पर आपको जो है कम से कम 15 सेकंड तक आपको दबा के रखना है थोड़े देर तक के लिए। और जब आप जो 15 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो होगा क्या, आपका जो ये आगे का जो लाइट है, ये वाला, ये जो है वाइट कलर का चमकेगा, सफ़ेद कलर यहाँ पर चमकेगा, तो ये रीसेट हो जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर बटन है, मैं इसको दबा के रखूँगा और यहाँ पे मैं जो है दबा के रखता हूँ, ये देखिए, और सामने आप लाइट को देखिएगा वो कैसे जो है वाइट जल गया, देखिए अभी आपको दिखाई दिया ना कि वाइट जला। वो मैं फिर से प्रेस करके रखता हूँ, ये वाइट हो गया, और साथ में जैसे ही वाइट होता है एक साउंड इफेक्ट आएगा टिन करके, ठीक है, अगर आप सुनोगे तो इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है तो ये रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद सबसे ज़्यादातर इसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। और उसके बाद चलिए आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे रीसेट करने के बाद जो प्रॉब्लम है पेयरिंग का वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको करना क्या है, ब्लूटूथ सेटिंग रीसेट करें। जो दोस्तों आपने जिस भी डिवाइस से एयरपोर्ट प्रो को कनेक्शन किया है, पेयरिंग किया है, वो वाला जो डिवाइस है उस पर जाके आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाएँ और एयरपोर्ट प्रो को अनपेयर करके दोबारा से उसको पेयर करें। यानी कि दोबारा से एक बार, पहले तो एक बार अगर पेयर होने का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फॉरगेट करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे मेरा एक और आईफोन है जिसमें आपको दिखाता हूँ, ये एयरपोर्ट है और यहाँ पे आईफोन है, ठीक है। एयरपोर्ट प्रो नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक करें, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। दोस्तों आपके पास एयरपोर्ट प्रो है और इसको आप जो है चार्जिंग करना चाह रहे हो, या चार्जिंग करने के लिए जब आप जो केबल वगैरह लगाते हो और चार्जिंग जो है नहीं होता है, नॉट चार्जिंग होता है, तो इसका प्रॉब्लम आता है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या तरीका है, जिस बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको यहाँ पर चार्जिंग सही से होगा और प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसी को मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों शुरू से लेकर आज तक। आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। चलिए बात करते हैं एयरपोर्ट प्रो नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक करते हैं करके। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, जो कि रहेगा दोस्तों, आपको बताता हूँ, चेक चार्जिंग केबल एंड अडेप्टर। यानी कि आपने जो है जिस भी अडेप्टर और केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लाइटनिंग केबल ही लगता है लगने के लिए और एडेप्टर रहेगा, तो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले तो वो ओरिजिनल कंपनी का चार्जर होना चाहिए जिसके लिए चलते यहाँ पे आपका जो है सही से यहाँ पे चार्जिंग वगैरह होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो एप्पल कंपनी का आता है लाइटनिंग केबल, वो आप इस्तेमाल करें, साथ में अडेप्टर इस्तेमाल करें, जिससे यहाँ पर चार्जिंग का अगर प्रॉब्लम आ रहा था आपका वो नहीं आएगा। बहुत लोगों के में चार्जिंग का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि वो दूसरा केबल वगैरह इस्तेमाल करता है दूसरा कंपनी का, ठीक है। तो चार्जिंग करने के लिए आप जो है ओनली एप्पल का जो आता है केबल उसका आप इस्तेमाल करोगे और अडेप्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है एक बार चेक करें कि वो जो अडेप्टर और केबल वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपके एयरपोर्ट पे काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वो अडेप्टर और केबल को लेके आप जो है अपने आईफोन को चार्ज करके देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो एयरपोर्ट प्रो है उसमें दिक्कत है कि वो अडेप्टर और चार्जिंग वाला जो केबल है उस पर दिक्कत है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले बार आपने जो है क्या किया होगा कि आपका जो अडेप्टर है वो किसी दूसरे का लिया था और केबल आपका था, उसमें आप ट्राई करके देख लिए, और उसके बाद क्या करोगे, अगर उस पर भी नहीं हो रहा है तो इस बार केबल किसी और का ले लो और अडेप्टर आपका रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अडेप्टर ख़राब है कि केबल ख़राब है इससे, ठीक है। तो ये सब करके आप जो सबसे पहले तो चार्जिंग करने का जो एक चार्जर है केबल है उसको आप चेक करें, ठीक दोस्तों। आप चलिए ये कर लीजिए, उसके बाद जो है चार्जिंग करने के बाद आप जो चार्जिंग करके देखिए आपका डिवाइस एयरपोर्ट चार्ज हो रहा है कि नहीं, इसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है दोस्तों क्लीन द चार्जिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। एयरपोर्ट प्रो में जो है आपका अगर चार्जिंग केस पर
मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं जो धूल या गंदे हो सकते हैं। इन्हें सॉफ्ट ट्राई लाइन फ्री क्लॉथ से साफ करें। ओके, देखिए दोस्तों, चार्जिंग का ये चार्जिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे धूल डस्ट चला जाता है, ये मेटल से बना रहता है तो धूल डस्ट चला जाता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, सही से चार्जिंग नहीं होता है, केबल काम नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, इसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। एक साफ करने का भी आता है, नीचे पॉट को साफ़ करने का, वो भी आप ले सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। साफ़ करने के लिए आपको कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक तो आप जो है हल्का सा रुई लेके आप जो है कोई सा भी लकड़ी से इसको साफ़ कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से इसको साफ़ कर लीजिएगा चार्जिंग पॉट को, ठीक है। ये आपको कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों जो कि होता है आपका एयरपोर्ट प्रो रीसेट करें। देखिए दोस्तों, आप जो है अगर अपने एयरपोर्ट प्रो को रीसेट कर दोगे ना, तो जनरली जितना भी प्रॉब्लम रहता है सब का सब वो ठीक हो जाता है। जैसे जो है चार्जिंग नहीं हो रहा है, या फिर कनेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर बार बार बंद हो जा रहा है, जितना ही प्रॉब्लम रहता है एयरपोर्ट प्रो का, वो सब प्रॉब्लम एक ही बार ठीक हो जाता है अगर आप जो है एयरपोर्ट प्रो को रीसेट कर देते हो। तो रीसेट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, 2 मिनट के अंदर रीसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको, अगर आप जो है रीसेट कर रहे हो तो आपका जो एयरपोर्ट प्रो है वो चार्जिंग से मतलब एयरपोर्ट प्रो आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ तो किसी डिवाइस से कनेक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो ढक्कन है उसको ओपन करके रखना है, ठीक है। ढक्कन ओपन करने के बाद यहाँ पे पीछे साइड एक बटन रहता है गोला सा, इसको आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, मैं रीसेट करता हूँ, यहाँ पर बटन है छोटा सा, आप देख सकते हो गोला वाला, इसको दबा के रखना है थोड़ी देर तक के लिए। और थोड़ी देर दबा के रखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट था वो वाइट कलर हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है उसका मतलब ये रीसेट हो जाता है। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन हुआ, ग्रीन है ना, अभी देख सकते हो। ये मैं दबा के रखता हूँ बटन, ठीक है, उसके बाद रीसेट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रेस करके रखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप रीसेट कर दें, जनरली जितना ये प्रॉब्लम रहता है रीसेट करने पे ये ठीक हो जाता है। ये देखिए वाइट हुआ मतलब रीसेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से रीसेट कर दें, रीसेट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रहा है चार्जिंग का या फिर कनेक्शन का, वो सब ठीक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद है दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट करने चेक करें। यानी कि आप जो है अपने आईफोन या फिर आईपैड जिस पे भी आप जो है कनेक्शन करते हो अपने एयरपोर्ट प्रो को, उस पर आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट उसका देख ले। जब आपका आईफोन या फिर आपका आईपैड जिस पे आप एयरपोर्ट प्रो को कनेक्शन करोगे गाना वगैरह सुनने के लिए, तो वह डिवाइस अपडेट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आईफोन पे कनेक्ट करके आप अपने एयरपोर्ट प्रो को सुन रहे हो, या फिर मैकबुक पे सुन रहे हो, जिसे भी सुन रहे हो, तो सब पहले उस डिवाइस का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। जब आप जो उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है ये वाला जो एयरपोर्ट प्रो है उसको ले लेना है और चार्जिंग केस पर लगा के रख देना है। उसके बाद ये चार्जिंग होते रहेगा, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ आगे क्या रहेगा। आगे जो है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो गया है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, वायरलेस चार्जिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार आप जो वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करके देखिए, क्या पता हो सकता है आपका एयरपोर्ट का जो ये चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब आपका हो गया होगा, है ना। तो आपके पास अगर वायरलेस चार्जिंग वाला जो है पावर बैंक है तो आप इस पर एयरपोर्ट को इस तरीके से रख दे और चेक करें कि आपका जो एयरपोर्ट है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। अगर आप समझ जाओगे कि वायरलेस चार्जिंग पे हो रहा है और यहाँ पर केबल जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो गया रहेगा, ठीक है। तो आप वायरलेस चार्जिंग का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों आप जो है अगर चार्जिंग केस जो रहता है उसको कभी कभी जो है दोस्तों प्रॉब्लम चार्जिंग केस में भी हो सकती है। देखें कि केस में चार्ज है और कोई डैमेज तो नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर आपका जो ये एयरपोर्ट प्रो है, तो एयरपोर्ट प्रो है, तो एयरपोर्ट प्रो का ये जो अंदर में जो रहता है ये आप देख सकते हो, ये इसको क्लीन करके रखना है, ये तो बता दिया। अगर ये जो एयरपोर्ट का ये जो प्रो का जो केस है वो अगर गिरता है टूटता है तो भी यहाँ पे चार्जिंग नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन सब तरीका है दोस्तों जिससे आप जो है अपने एयरपोर्ट प्रो में चार्जिंग करने का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक कर सकते हो। अब इसके बावजूद अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एप्पल का सर्विस सेंटर, वहाँ पर आप जा सकते हो और अपने जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बाकी बताया कैसे कैसे आप घर में वो ट्राई करके देखो, जो जो बताया वो आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक है, और मैंने आपको बता दिया दोस्तों, चैनल पे नया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।